अभिषेक क्या हो गया, क्या हो गया बाड़ा? अन्ना गायत्री मिल गई, गायत्री मिल गई अन्ना। अरे वाह तुझको भी मिल गई। किधर है, किधर है गायत्री, किधर है मेरी बेटी, किधर? यहाँ से कुछ दूर एक बंद कमरे में गुंडों के बीच हाथ बंधे हुए और कुर्सी पे बैठी हुई। हाँ वही है, लेकिन अभिषेक वो कुर्सी पे बैठी नहीं है, वो खड़ी है। तू थाम रे जरा अभिषेक, लेकिन तुझे किसने बताया? किडनैपर का फोन आया था क्या? नहीं नहीं अन्ना, सपना आया था, अभी अभी सपना आया। वो क्या है ना, गायत्री के बारे में सोचते सोचते पूरी रात जागता रहा, तो अभी अभी आग लगी मेरी और मुझे सब कुछ दिखाई दिया। गायत्री मुझे पुकार रही है अन्ना, अभिषेक कहाँ है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे सपने में आई थी तेरे? आते है, आते है, ऐसे सपने में आते है लोग। ये जब ही बेंगलोर गया था तभी नहीं क्या आता था मेरे सपने में रोज, आता था ना, याद है तुझे? कितनी बार बोला मुझे मेरे पाँव पकड़ के, मुझे माफ कर दो अन्ना, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे घर वापस बुला लो ना अन्ना, मुझे वापस। बोलता था ना तू, आता था ना सपने में, है कि नहीं, बोलो। हाँ अभी आपका सपना इम्पोर्टेंट है या मेरा? तेरा, अभी तेरा, तेरा सपना। तो किधर है उसने, गायत्री ने सपने में कुछ पता भी तब बताया है क्या? तो लेके आते ना उसको। अन्ना भाई। हाँ महेंद्र बाप। अन्ना भाई। अभी ये, सपने में मुझे पूरा नक्शा दिखाई दिया। आपको, आपको भी अभिषेक का सपना दिखा क्या? अरे नहीं नहीं अन्ना भाई, इनको तो अपना प्राइवेट सपना दिखा, बाप का सपना। प्राइवेट सपना होता है, किसी किसी को पब्लिक सपना आता है, इनको प्राइवेट सपना आया, बाप का सपना। बाप का सपना? हाँ, अरे मेरे सपने में मेरी बेटी आई और मुझसे बोली, पापा पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, लाल रंग की छत थी। हाँ लाल कलर की छत थी और दरवाजा सफेद रंग का था। हाँ हाँ सफेद रंग का दरवाजा था अन्ना, और बाहर ना एक बरामदा था, वहां पे गायत्री खड़ी थी ऐसे हाथ बांध के। एक मिनट, अमोल को भी सपना दिखा, इन सब लोगों को दिखा, मैं गायत्री से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे ही सपने में नहीं आई, क्या बिगाड़ा है मैंने? अभी अन्ना भाई, गायत्री आपके सपने में क्यों नहीं आई ये डिस्कस करने बैठना है कि इन लोगों को सपने में जो जगह आई है वहां जाके उसको बचाना है। नहीं नहीं आप बोलो, वो करते हैं हम लोग। हाँ अहो बरोबर बोल रही है उर्मिला वहनी, जाइए जाकर गायत्री को लेके आइए। वो जगह कौन सी है बाड़ा? यहाँ आगे जाके तीसरी गली से राइट, फिर सीधा जाने का, लेफ्ट में एक गली आएगी, वहाँ 102 नंबर का मकान। बस अमोल को एकदम विस्तृत में आया लगता है सपना। मैंने तो कब से बोला था कि मुझे गायत्री कब की मिल गई। तुम लोग गायत्री को ढूंढ रहे हो ना? गायत्री को? हाँ अमोल दा, वो मुझे मिल गई है। ये अमोल दादा पता नहीं कौन सी गायत्री से मिल पाएंगे। आपको मिल गई ना, तो मुझे ढूंढने दीजिए। इसे गायत्री कब की मिल गई? हाँ तो मैंने सबको बोला भी था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुझे भी मिल गई ना गायत्री? हाँ तो तुझे जो मिली है ना वो तेरी वाली आपने पास में ही रखा। सब लोग अपनी अपनी गायत्री ढूंढ रहे थे। गलती हम लोग की ही है, वो तभी अमोल की बात पे विश्वास कर लेते ना हम लोग, तो गायत्री बेचारी को सपने में आना ही नहीं पड़ता। ओ अभी हम लोग सिर्फ बातें ही करेंगे या चलेंगे अभी? हाँ चल 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 चल। अरे उर्मिला बहन जोचना, तुम लोग यहीं पे रुको, गायत्री के स्वागत की तैयारी करो, हम लोग लेकर के आते हैं। अन्ना मैं दिखाता हूँ मैं। हाँ अमोल तू ही दिखाना, इन लोगों को क्या है थोड़ा धुंधला धुंधला है ना, तो आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा, तू गिर भी गए तो खम, तो तू दिखा। हो जाइए चलो अमोल। वो वहां देखिए, वहां पे है गायत्री। अच्छा चल चल चले चले। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस? महेंद्र भाव आप मुझे तो मना कर रहे थे पुलिस के लिए, और आप भी स्वतः बिंदास बुलाते हैं पुलिस बिलिस को। एक मिनट एक मिनट,
आइए आइए आइए। क्या आइए आइए, अबे कहते क्या कर रहे है तू? किडनैपिंग के ड्रामा में यही डायलॉग्स होते हैं। ना ड्रामा छोड़ और जो बोला है वो कर। मारो हमारी गायत्री, अभी के अभी हमारे हवाले कर दो तो हम तुम लोगों को जाने देंगे। हाँ बता, तो ही जाने देंगे। अच्छा तो डॉक्टर बन गया, पूजा करेंगे। इसे मार क्यों रहे? अबे तुझे भी मारूंगा, चल अंदर। एक और एक और। ये मारने वाले की बात नहीं हुई थी महेंद्र बाबू, मैं बता रहा हूँ आपको। ये उसे मार रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं चलेगा महेंद्र बाबू, मैं बता रहा हूँ आपको। महेंद्र बाबू को डरा रहा है तू? रुक रुक रुक। अन्ना भाई हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। अरे अभी तो आपने मेरी हिंसा देखी नहीं है महेंद्र भाऊ। इसके हाथ पैर मोड़ दूंगा, दांत भी तोड़ दूंगा, पैदा अखाड़े में हुआ हूँ, समझा ना तू? नहीं 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 अन्ना भाई, नहीं नहीं। अरे नारियल के पेड़ की तरह खड़ा क्या, भाग इधर से, भाग। अन्ना बेबी चटर भाग, रुक माकर तोंडिया। अन्ना अन्ना उधर से पकड़ दे। अरे उधर गया वो। मेरे पैसे भाऊ, मेरे पैसे भूल गया मैं घर पे, कुछ चलना अभी। ये पैसे इधर आ, मैं लेके रखूं पैसे? भाग, भाग ले, भाग, मुझे धक्का मारो और भाग यहाँ से। पहले मेरी पेमेंट दो। अरे अन्ना भाई मार डालेंगे तुझे, भाग ना। जान दे दूंगा लेकिन पेमेंट लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे पापा पैसे दे दो ना, ये ले अभी, भाग अभी, भाग चल चल चल, पकड़ पकड़, भाग भाग भाग, आगे आगे से, चलो चलो भागो, चलो निकलो मत, काबे इधर फोड़ दूंगा। गायत्री मारी दिक्री। देखा 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 अन्ना भाई मेरे दामाद को, कैसा हीरो है, हा? अपनी हीरोइन को बचा लिया मेरे दामाद ने। आपका दामाद तो बाद में बना, पहले मेरा बेटा है ये, मेरा राम है ये, मेरा अभिषेक। ए अमोल, घर पे फोन करके बता दे कि राम और सीता को लेके हम लोग अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या? अरे ये राम अपनी सीता को लेकर हमारे घर पे आएगा तो अयोध्या आगमन ही होगा ना। बोल दिया। अच्छा सुनो, हाँ निर्मिति, हाँ ये बक, हम लोग चलते हैं ढूंढने के लिए, ठीक है? प्रभाकर दादा इस बार आप भी चलो, वरना किसी की भी व्यथा सुनने खड़े हो जाते हो आप। भारती वही नहीं, तुम ही इकड़े थांबा, आने जाने वालों से पूछताछ करना अच्छे से। बराबर, चला चला। लेकिन मैं क्या पूछूं? अरे भारती वही नहीं, क्या पूछूं क्या, उनसे पूछना कि आपने यहाँ पे किसी किडनैपर टाइप आदमी को देखा है क्या। बराबर, चला। लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि वो कैसे दिखता है तो मैं क्या बोलूं? अरे तो उनको बोलना कि हमने उसको देखा ही नहीं। बराबर, चला। लेकिन अगर उन्होंने पूछा, अगर आपने देखा नहीं तो ढूंढ क्यों रहे हो, तो क्या बोलूं? अरे तो भारती उनको बोलना हम किडनैपर को नहीं गायत्री को ढूंढ रहे हैं। बराबर है। लेकिन फिर उन्होंने पूछा तो फिर आप किडनैपर के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो क्या बोलूं? अरे गप्पू मसा, आप भी चुप रहिए, तू भी चुप रहे, मैं रुकता हूँ, मैं बोलूंगा, आप जाओ सब गायत्री को ढूंढो, आज तो हम गायत्री को घर लेकर ही जाएंगे। ये बराबर है, लेकिन अगर उन्होंने हमसे पहले गायत्री को ढूंढ निकाला तो? अरे भारती वही नहीं, शुभ शुभ बोला। अरे केशव, लेकिन गायत्री का मिलना भी तो शुभ ही हुआ ना। नहीं प्रभाकर दादा, गायत्री को तो हमें ही ढूंढना है। अरे तभी तो अन्ना को लगेगा कि मेरी गाइडेंस में काम करके आप भी जिम्मेदार बन सकते हो। अच्छा जा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, चला चला। हाँ चल चल। मिल गई मेरी गायत्री, मिल गई परमेश्वरा। अभिषेक तेरा भी स्वागत है, आ भी इस घर में हमेशा के लिए। अरे ये क्या कर रहा है इधर? आहो
आओ क्या आओ, मैं शांत ही हूँ, लेकिन बोला था ना ये घर से बाहर रहेगा, तो अंदर कैसे आ गया ये? आहो, विभावरी की तबीयत बिगड़ गई थी, मैं घर में अकेली ही थी। विभा जी, क्या हो गया था आपको? वो कुछ नहीं, उसका बीपी थोड़ा हाई हो गया था बस। जरूर जरूर तेरा अश्लील गाना सुन लिया होगा इसने। अभिषेक, तुझे पता है वो नई पिक्चर का गाना सुना क्या तूने? इपड़ी पाऊ, तू जिधर जिधर जाए मैं पीछे पीछे आऊ, इपड़ी पाऊ उनके पे तेरे में जूम जूम गाऊ, इपड़ी पाऊ तू साड़ी मैं पल्लू, तू कटरीना में सल्लू, इपड़ी पाऊ तू तेज में हल्लू, मिला बाबा जी का टुल्लू, इपड़ी पाऊ तेरी जोत से मैं अपनी जोत लड़ा जाऊ, इपड़ी पाऊ पाऊ रे, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी ऐसे गाने। वाह वाह वाह, तेरा ये नया गाना तो सुपर डुपर हिट है जांबुवंत भाई। जांबू, अरे जयंत, क्या जांबुवंत? कहाँ भैया, ये बात उसे हम हमें अभी तो आया ना लास्ट में, तो आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो अभी ऐसे अच्छे मस्त प्रसंग के टाइम पे, है ना अन्ना भाई? बरोबर बोला उर्मिला भाई, लास्ट में तो आता है ना, तो क्या बाल की खाल नहीं है नहीं थे? लेकिन ये समझेगा नहीं, अश्लील फिल्म में बनाता है ना, और इसके ऐसे ही गाने बीने की वजह से मेरे बेटे का बीपी बढ़ते रहता है। अन्ना, मेरे गाने की वजह से नहीं, ये गायत्री किडनैप हुई थी उसकी वजह से उसका बीपी हाई हो गया। हाँ ना, बहुत चिंता हो रही थी मुझे गायत्री, गणपति बाप्पा की कृपा है जो तुम सुखरूप घर चले आई। मैं लेके आया, मैं विभू, मुझे पता था सबसे पहले कि गायत्री कहाँ है। अरे बेटा, सबसे पहले तो मुझे पता था सबसे पहले कि गायत्री कहाँ है। अरे बेटा, सबसे पहले तो तुझे ही पता होगा ना। तो, कितना होशियार है मेरा अनमोल बेटा। अनमोल मस्त। अरे वो दूसरा डेढ़ शाना होशियार किधर है केशव? अरे वो प्रभाकर विभाकर को लेके गायत्री को ढूंढने के लिए गया था ना अमोल, जा उसको बता दे कि मिल गई है अभी गायत्री, लेके आ उन लोगों को। हाँ, आ गई है। जा बता क्या। गायत्री, बात करनी है मुझे। अन्ना, मुझे प्यास लगी है। अरे जो छा ना, पानी भी नहीं लेके आ गायत्री के लिए। अन्ना भाई, आप समझ नहीं रहे। गायत्री बेटा, तू जा किचन में जाके पानी पी ले। अभिषेक, तू क्या खड़ा है? तू जा, उसे ग्लास नहीं मिलेगा। जा तू। हाँ। जा। अरे मालूम है उसको गिलास। अच्छा अच्छा, इपड़ी पाओ। समझ गया, मैं समझ गया, अभी इतने दिनों के बाद मिले हैं बेचारे, तो फिर इतना मिल बिल के थोड़ा बात भी करना तो बनता है। और नहीं तो क्या अन्ना भाई, थोड़ा हलो, थोड़ा हाव, थोड़ा इपड़ी पाओ। इपड़ी पाओ, अश्लील गाना, बाप रे बाप, आगे तो और भी अश्लील है। मैं लोहे का चूहा, तू चुंबक की म्याऊ, इपड़ी पाओ, शादी तुझसे करूं, आबादी बढ़ाओ, इपड़ी पाऊ, तेरी यौवन की गाड़ी रुके, धक्का लगा जाऊ, इपड़ी पाऊ, तेरी चोच से मैं अपनी चोच लड़ा जाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ पाऊ पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ, इपड़ी पाऊ। अच्छा अच्छा, हंसती है क्या उज्ज्वला बिज्ज्वला?
इतना प्यार करते हो तो फिर दूर रहने की जिद पकड़ कर क्यों बैठे थे? अच्छा, सिर्फ मैंने जिद पकड़ी थी और तुम्हारा क्या? परंपरा को पकड़ के रखने को जिद नहीं, संस्कार कहते हैं। ओ, तुम करो तो संस्कार और मैं करूँ तो अत्याचार। अत्याचारी तो किया है तुमने मुझ पर। इस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कोई जाता है क्या? मैं कहीं नहीं गया था गायत्री, मैं तो हर पल तुम्हारे सामने था। वो तो है अभिषेक, पता है मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती थी ना, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था। और मैं तो आंखें खोले खोले भी तुम्हें ही देखता रहता था। एक बात तो है, इस दूरी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारा मेरे पास होना मेरे लिए कितना जरूरी है। और मुझे ये एहसास दिलाया कि पास होके भी तुम मुझसे कितनी दूर हो। मतलब? ये मतलब छोड़ो और मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। प्रॉमिस तुम करो अभिषेक कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो मुझे नाराज कर दे। मेरे गले लगने से तो तुम नाराज नहीं होगी ना? कोयल कू कू करती है क्योंकि होती नहीं वो कौवा, कौवा काव काव करता है क्योंकि होता नहीं वो कोयल। तो कोयल की कू कू, कौवे की काव काव एक हुए, सांस की बहु बहु, सिलाई का टांका एक हुए। लई भारी गायत्री को ढूंढना है, पता है ना? प्रभक दादा, केशव दादा, हाँ गायत्री मिल गई। हाँ अगवी। अरे देवा, ये फिर से आ गया, पता नहीं कौन सी गायत्री के सामने खड़ा कर देगा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच में गायत्री मिल गई। अमोल भाऊजी, आपको कौन सी गायत्री मिल गई है? अपनी ना? महेंद्र भाऊजी की बेटी, अभिषेक की पत्नी ना, अन्ना की बहू ना। चार चार गायत्री? लो, मुझे तो एक ही गायत्री मिली है और वो भी घर पे है। गायत्री घर पे है? अमोल बाड़ा, हमें तेरी ढूंढी हुई गायत्री नहीं, जो खोई है ना वो गायत्री चाहिए। कर ला। अच्छा, मतलब जो खो गई है वो अलग गायत्री है और वो ढूंढनी है। ठीक है, अभी वो गायत्री ढूंढनी पड़ेगी। चलो ए, काय ना वैसा ढूंढू। हाँ, अगले स्टॉप पे चलो। चलो चलो चला। महेंद्र भाऊ, भूल चुक ध्यावी ध्यावी, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं दोनों परिवार। हाँ ना भाई, मेरे और महेंद्र के तो दिमाग में भी कुछ नहीं है। अच्छा, आपका तो मालूम था कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, पूरा खाली है, लेकिन महेंद्र भाऊ आप भी। अरे डोबी, दिमाग नहीं मन में कुछ नहीं है ऐसा बोलते हैं। हाँ, एक नु एक, अभी दिमाग में और मन में ऐसा अलग अलग थोड़ी रखता है कोई। है जोक सुना बहन? उर्मिला बहन, अभी आप अपने मन और दिमाग को एक कर दो और इनका नाम का रट्टा मार लो। इनका नाम है जोत्सना, 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 जोत्सना। हाँ भैया, अब भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ गए ऐसे खुशी के टाइम पे। अच्छा ना भाई, मैं क्या बोलती हूँ, ये अपना शादी के वक्त सब गड़बड़ घोटाला हो गया था है? तो मेरी तो बहुत सारी होश अधूरी रह गई। तो देखो ना, अभी दूल्हा दुल्हन ने जुई विटी भी नहीं खेली है। जुई विटी? ये क्या होता है? वो अभी अभिजीत और गायत्री खेलेंगे ना, तभी आप देख लेना वो क्या होता है। तो मैं क्या बोलती हूँ ज्योतमाला बेन, सब रिवाज जो अधूरे रह गए हैं ना, वो हम मिलकर अब पूरे कर लेते हैं। और जब तक ये रिवाज पूरे नहीं होते ना, तब तक गायत्री हमारे साथ रहेगी और अभिजात आप लोगों के साथ, बराबर? मस्त आइडिया ये, मस्त मस्त, इतना मस्त। अरे इतना मस्त आइडिया तुझे कैसे सूझा उर्मी, बिना दिमाग के? मस्त मस्त आइडिया ये, मस्त। इनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड शुरू हो गया। जीवन तो है इमली की चटनी, खट्टी मीठी खट्टी मीठी खट्टी मीठी। जीवन तो है होशियार पत्नी, जुई मीठी जुई मीठी जुई मीठी। तो इमली की चटनी और होशियार पत्नी एक हुए। वाह,
जूही बेटी मौज मस्ती एक हुए। वाह बच्चों वाह। अरे बाप रे, वो एक प्रभाकर कम था कि अभी दो दो आ गए। क्या होगा मेरा महेंद्र भाऊ, बच्चा लो मुझे। उजाला बेटा उजाला, जा जाके गायत्री को बुला के ला। हाँ जा उजाला, वहाँ अंधेरे में है गायत्री, जा। अभिषेक काका, गायत्री काकी आपकी मम्मी बुला रही है, आपको घर पे जाना है। घर क्यों? अभिषेक काका आप चिंता मत कीजिए, हमारी काकी वापस आ जाएगी, वो भी ढोल और नगाड़े के साथ। अभिषेक काका, अब ये रोमियो जूलियट खत्म हो गया है तो मेरा होमवर्क करके दीजिए। वापस होमवर्क मैं नहीं करूंगा, अभी बस हो गया। करना तो पड़ेगा ही काका, क्योंकि बहुत सी ऐसी बात है जो अन्ना को नहीं पता है, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो उनको है ना मजा नहीं आएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था चिमनी। बताओ कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बस